क्या आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ेगी क्योंकि उनकी रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। दिवंगत आईएएस जी कृष्णया की पत्नी उमा कृष्णया की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने बिहार सरकार से रिकॉर्ड पेश करने का कहा है। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और आनंद मोहन को भी नोटिस जारी किया है, साथ ही 2 हफ्ते में अगली सुनवाई की बात कही है। उमा कृष्णया ने अपनी याचिका में बिहार सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मौत की सजा को अब उम्र कैद में बदला जाता है, तब दोषी को आजीवन जेल में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे फैसले दे चुका है, लेकिन इस मामले में दोषी को रिहा कर दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि 10 अप्रैल को सिर्फ राजनीतिक कारणों से बिहार सरकार ने जेल नियमावली के नियम 481(1)(a) को बदल दिया। याचिका में बताया गया है कि 2012 में बिहार सरकार की तरफ से बनाई गई जेल नियमावली में सरकार की कर्मचारी की हत्या को जघन्य अपराध कहा गया था। इस अपराध में उम्र कैद पाने वाले को 20 साल से पहले किसी तरह की छूट न देने का प्रावधान था, लेकिन पिछले महीने राज्य सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव कर सरकारी कर्मचारी की हत्या को सामान्य हत्या की श्रेणी में रख दिया गया। इससे आनंद मोहन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। गोपालगंज के तत्कालीन जिला अधिकारी जी कृष्णया की 1994 में मुजफ्फरपुर के खोबरा में हत्या हो गई थी। 2007 में निचली अदालत ने इस मामले में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था, लेकिन 27 अप्रैल को उन्हें 14 साल जेल में बिताने के आधार पर रिहा कर दिया गया। ब्यूरो के हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश होने की खबर है। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि फाइटर जेट में सवार पायलट और को पायलट दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश होने की खबर सामने आई। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों में से 1 घायल गंभीर बताया जा रहा है। फाइटर जेट का पायलट और को पायलट दोनों सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के गांव बहलोल नगर के पास भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर घर पर गिर गया। हादसे के दौरान पायलट ने पैराशूट के जरिए कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन मकान पर विमान गिरने से आसपास के लोग इसकी चपेट में आ गए। अब तक हादसे में 3 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत की खबर सामने आई है। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पीलीबंगा पुलिस और सेना का हेलीकॉप्टर मदद के लिए मौके पर पहुंचा था। वहीं कुछ लोगों ने जिस घर पर विमान गिरा उसमें लगी आग को बुझाया। ब्यूरो रिपोर्ट।